नमस्कार, बालाजी फैशन बुटीक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पेपर कटिंग के द्वारा ब्लाउज़ की, सादे ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगा। मैंने एक ये पेपर कटिंग ली हुई है बांस पेपर की। मैं आपको मेज़रमेंट बता देता हूँ। ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो 13 इंच है, चेस्ट जो है वो 36 इंच है, 36 इंच, और कमर जो है वो 28 इंच है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे कटिंग करनी है। आपको सबसे पहले इसमें तीरे का नाप लेना होता है। जैसे कि तीरे का नाप जो है वो केवल गले के हिसाब से लिया जाता है कि गला कितना है। इसका गला डीप जो है, वो बैक जो है गला डीप है 10 इंच का, तो उस हिसाब से हम इसका नेक का नाप लेंगे। अगर आपका नेक 10 इंच डीप है, यानी कि 7 से लेकर के 10 इंच तक, आपको तीरा जो लेना है वो 5.5 इंच लेना है। ठीक, 5.5 इंच, और नीचे को आर्मोल की जो लेंथ होती है वो आपको लेनी है 1/2 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 6 इंच। यहाँ पर हमने लिया 5.5 इंच, यहाँ पर आपको लेनी है 6 इंच। इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों निशानों को हमने मिला दिया है। अब हमें देखना है कि चेस्ट जो है वो 36 इंच है। चेस्ट 36 इंच है तो यानी कि उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 36 यानी कि 38 इंच हो गया, 38 का चौथा हिस्सा 9.5 इंच, तो ये आपको 9.5 इंच, 9.5 इंच पर एक निशान यहाँ लगा देंगे, और इस निशान को सीधे, बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये आपका निशान हो गया। अब हमें आर्महोल का निशान लगाना है। ये मैंने फ्रंट पल्ला भी इसमें बताऊँगा मैं, और बैक पल्ले का भी इसमें बता दूंगा। तो आप क्या करना है इसमें, जैसे कि ये 5.5 इंच आ रहा है आपका, 6 इंच आ रहा है, तो आपको लगभग आधे से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ से ऐसे कर्व में निशान लगाना है, इस टाइप से। तकरीबन ये आपको 1 इंच से 1 इंच के डिफरेंस से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला 1 इंच लेना है आपको। ठीक है, 1 इंच लेना है। अब जैसे कि हमने ये फ्रंट के पल्ले का आर्महोल का निशान लगाया, उसी टाइप से हम बैक के पल्ले का इसमें बता देता हूँ मैं। इसमें भी लगभग आपको आधा या 1 इंच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपका नेक जो है वो 6 इंच 5 इंच या 4 इंच है, तो आपको ये पोर्शन ज़्यादा लेना है बैक पल्ले का। यदि आपका नेक बड़ा है तो ये आपको बहुत कम लेना है, यानी लगभग तकरीबन 1/2 इंच का। वो मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि जब गला फैलता है तो आर्महोल जो है बैक वाला, वो भी उस हिसाब से फैल जाता है, इसलिए हमें इसको आर्महोल को कम लेना चाहिए। ठीक है, नेक का हम 2.5 इंच ले लेंगे। नेक की लेंथ जो है वो 10 इंच ले लेंगे, पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें फोल्ड में चाहिए। 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। यह हमारा नेक का निशान हो गया। इसी में बता देता हूँ कि फ्रंट का निशान जो है वो हम 7 इंच का नेक है, इसी में हम फ्रंट का लगा देंगे। अब हम आता है निशान प्लेट का। प्लेट्स का निशान कैसे लगाते हैं, इसका प्लेट का निशान आपको नाप लेना पड़ेगा कि जो लेडीज़ है उसकी प्लेट्स कहाँ पर आएंगी। तो इसका जो नाप है वो लगभग तकरीबन 10.5 इंच पर है, तो हम यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाएंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा क्योंकि मार्जिन में जाएगा ऊपर 1/2 इंच, और 4.25 इंच पर यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। ठीक, ये हमारी बीच वाली प्लेट हो गई। ऊपर से मैंने लिया है, ऊपर से लिया है मैंने 11 इंच, और यहाँ से इधर की तरफ से लिया है 4.25 इंच। तो आपको यहाँ पर लेना है 2 इंच, यहाँ पर लेना है 1.5 इंच, और ये वाला जो निशान है, ये वाला, इसी निशान को आपको आगे की तरफ सीधा कर देना है तकरीबन
तीन इंच के लगभग, इस टाइप से। और ये अंदाजे से आपको इस टाइप से निशान लगा देने। ये हमारे प्लेट्स के निशान डल गए। तो दोस्तों, इस टाइप से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।